नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। मैं हूं शीतल राजपूत। मंडल मसीहा नेता के तौर पर मशहूर समाजवादी राजनीति के पुरोधा शरद यादव अब हमारे बीच नहीं है। गुरुवार की रात दिल्ली के एक अस्पताल में उनकी सांसें थम गई। शरद यादव के निधन पर राजनीति के जगत में शोक की लहर है। पार्टी लाइन से हटकर तमाम दलों के आला नेताओं ने शरद यादव के निधन पर दुख जताया है। शनिवार को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले स्थित शरद यादव के पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जब इश्क से भी ईमान लापता होने लगा, उसने सियासत में ईमानदारी का पता बनाए रखा। झूठे महफिलों में सस्ते रहे, वो तन्हाई में से सकता रहा, ये पता है समाजवादी सियासत के उस बरगद का, जो गुरुवार की रात कभी ना जागने वाली नींद में हमेशा हमेशा के लिए सो गया। आधी सदी तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे शरद यादव ने 75 साल की उम्र में जिंदगी को अलविदा कह दिया। सर, कल क्या हुआ था? हॉस्पिटल वगैरह ले गए आप लोग, फिर कैसे क्या हुआ? उनको कार्डियक अरेस्ट आया था घर पे, तो उनका जो नर्सिंग स्टाफ है, हमने उनको उनकी चेस्ट को प्रेस किया तो उनको सांस आई। उसके बाद हम समझ गए इनको कार्डियक अरेस्ट आया, तो इनको हम तुरंत प्रभाव से हम अस्पताल की ओर लेके गए, फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव। बस वहाँ पहुँचने से पहले ही उनको एक और दोबारा से एक अटैक आया, और 9:15 का समय अस्पताल ने बताया। आज की पीढ़ी भले ही शरद यादव के राजनीतिक योगदान और उनके कद से रूबरू ना हो, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारों में वो हमेशा ताकतवर नेता रहे। ये और बात है कि किसी ताकतवर मंत्रालय की कमान उनके जिम्मे नहीं आई। शायद सत्ता की मलाई उनकी दिलचस्पी का हिस्सा ही नहीं रही। वरना जिस पिछड़े आरक्षण पर देश में दूसरी बार सियासत उफान मार रही है, उस आरक्षण को पहली बार अमली जामा पहनाने की लड़ाई जिस जुनून के साथ शरद यादव ने लड़ी, वो शायद ही कोई और लड़ पाता। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने की खातिर शरद यादव ने व्यक्तिगत लाभ हानि का मुंह त्याग दिया। शर्त सिर्फ ये थी कि वीपी सिंह को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करनी होगी। पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ देना होगा। यही वजह थी कि जब समाजवादी सियासत का सूरज अस्त हुआ, तो संघर्ष काल के साथी लालू यादव भी पस्त हो गए। सिंगापुर में इलाज करा रहे लालू यादव बेबस हो गए। मैं तो सिंगापुर में हूँ और इलाज के क्रम में ही इसी समय खबर लगा कि वो हम के बीच में नहीं रहे। महान समाजवादी नेता थे, स्पष्टवादी थे, लाखों लाख अपने मित्रों को छोड़ करके हम लोग के बीच से वो उठ गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को चिर शांति दें, शोक संतप्त परिवार को पूरा श्रद्धांजलि देता। संसार में सदा के लिए रहने को कोई नहीं आता, लेकिन जैसे शरद यादव गए वैसे कोई नहीं जाता। लंबे समय से स्वास्थ्य से जुड़ी मुश्किलों का सामना कर शरद यादव की तबीयत 4 महीने पहले सुधरने लगी थी। बिहार के कई नेताओं ने दक्षिणी दिल्ली के उनके निवास पर उनसे मुलाकात की थी। उम्मीद थी कि वो फिर से सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनेंगे, 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष को एकजुट करेंगे, लेकिन नियति को शायद ये मंजूर नहीं था और करीब 50 साल की समाजवादी सियासत का सफर अचानक से थम गया। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने ट्वीट कर पिता के निधन की जानकारी दी। सुभाषिनी ने अपने भावुक ट्वीट में लिखा, पापा नहीं रहे। मध्य प्रदेश से शुरू हुआ शरद यादव का सियासी सफर यूपी के रास्ते से होता हुआ बिहार पहुंचा, यानी शरद यादव ने 3 राज्यों से लोकसभा का चुनाव जीता। हालांकि वो किसी भी सीट को अपनी सीट नहीं बना पाए, लेकिन हिंदी पट्टी के इन 3 बड़े राज्यों में
शरद यादव की अहमियत बाकी है और सांसें थमते ही देश ने इसका सबूत भी देख लिया। शरद यादव के निधन से सियासी जगत में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसे व्यक्तिगत क्षति बताया। भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी भी अल सुबह शरद यादव को श्रद्धांजलि देने हाजिर हो गए। मैं सोच रहा था, अभी बैठा था, मैं सोच रहा था कि शरद यादव जी नहीं रहे, मगर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जिंदगी जी, कभी उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं खोई। राजनीति में रिस्पेक्ट खोना बहुत आसान होता है और शरद यादव जी ने कभी नहीं खोई, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत दिन से बीमार थे शरद जी, इलाज भी हो रहा था, इलाज की कमी नहीं हुआ, इलाज हो रहा था और भगवान उनको जगत स्थान दे, परिवार जनों को शक्ति दे सहने को, और यही प्रार्थना हम लोग करते हैं। देश के लिए बहुत लड़ाई लड़े, गरीबों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, किसानों के लिए भी, सभी लोगों के लिए भी लड़ाई लड़े देश के लिए, और भगवान उनको शांति दे। शरद जी के निधन की खबर रात में ही मिली, मन बहुत ही दुखी हुआ है इस खबर को जानकर। हम उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। उनके निधन से इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतनी बड़ी क्षति हुई है जिसकी भरपाई नहीं संभव है। बाद के दिनों में तो सामाजिक न्याय के देश के स्तर पे केंद्र बन गए थे शरद यादव जी, कोई दूसरा सेंटर नहीं बचा था। दिल्ली से वही एक्ट करते थे तो सामाजिक न्याय की गतिविधि चलती थी देश भर में। आज उनके जाने के बाद वह सेंटर ही समाप्त हो गया है। गैर कांग्रेसी राजनीति के पुरोधा रहे शरद यादव इमरजेंसी विरोधी आंदोलन के भी अगवा दस्ते में शामिल रहे। लंबे समय तक एनडीए के संयोजक रहे। वाजपेयी सरकार में कई विभागों के केंद्रीय मंत्री भी रहे। जाहिर है बीजेपी नेताओं के साथ भी उनके रिश्ते अहम रहे। तभी तो जैसे ही शरद यादव के निधन की खबर आई, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच गए। श्री शरद यादव जी का हम सब के बीच में न रहना, इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूर्णीय क्षति है। 5 दशक लंबे सार्वजनिक जीवन में शरद जी ने हमेशा जनता के मुद्दे उठाए, पिछड़ों के मुद्दे उठाए, और मैं समझता हूँ कि इनकी लोकप्रियता इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एकमात्र ऐसे नेता है जो 3-3 प्रदेशों से लोकसभा का चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में गए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तो एक ऐसे सुलेख नेता हमारे बीच में से चले गए हैं। मैं अपनी ओर से हरियाणा सरकार की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उसे प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। अपने अखड़ स्वभाव और बेबाक बोल के लिए मशहूर शरद यादव जाति के सवाल पर संसद से सड़क तक लड़ते रहे। संसद के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण के मसले पर वो सवर्ण महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्द भी कह गए। टेलीविजन चैनलों के लिए वो तंज के तौर पर डब्बा वाले शब्द का इस्तेमाल करते रहे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जुलाई 1947 में जन्मे शरद यादव जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वो लोहिया और जेपी के समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। छात्र आंदोलन के बाद जेपी ने जिस पहले उम्मीदवार को हलधर किसान के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वाया, वो शरद यादव ही थे। 27 साल के शरद यादव 1974 में जबलपुर यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष थे और छात्र आंदोलन के चलते जेल में थे। जेल से ही उन्होंने जबलपुर का चुनाव जीत लिया। 1977 में जनता पार्टी की आंधी आने वाली है, इसकी झलक शरद यादव की जीत से ही मिली थी। बीते 5 साल से शरद यादव एक किस्म के सियासी बियाबान में थे और दिल्ली के जंतर मंतर का वो बंगला भी उन्हें खाली करना पड़ा जो 2 दशक तक उनके सियासी गतिविधियों का
सेंटर था। जाहिर है शरद यादव को ये दिन इसलिए देखने पड़े क्योंकि उन्होंने अपने विचारों की बलि नहीं दी, सत्ता के लिए उसूलों से समझौता नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। शरद यादव का अंतिम संस्कार उनके पैतृक निवास में कल किया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने कर्मचारियों को लोहड़ी का तोहफा दिया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट ने पहली बैठक में ही राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला पारित कर दिया। इसी के साथ कांग्रेस ने अपना पहला चुनावी वादा पूरा कर दिया। इससे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार 1,00,000 रोजगार देने को लेकर भी काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कुछ गारंटी लेके आई है। ये जो ओपीएस है, पुराना पेंशन, वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने लाएंगे, वो आपको वापस मिलेगा। ओपीएस हमने कहा कि पहली कैबिनेट में देंगे। जनता ने रिवाज नहीं बदला, कांग्रेस ने उसूल नहीं बदला। चुनाव में जो वादा किया सरकार बनते ही निभा दिया। लोहड़ी के पर्व पर हिमाचल की सुक्खू सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पहली गारंटी पूरी कर दी, पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर मंजूरी की मोहर लगा दी। जितने भी हमारे 1,36,000 कर्मचारी, चाहे वो बोर्ड्स के है, चाहे वो निगमों के है या कॉरपोरेशंस के है, जो भी पेंशंस के तहत आते होंगे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया गया है। तो सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को लोहड़ी का ये तोहफा हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से उन्हें दिया गया है। 1,36,000 जो कर्मचारी है आज लोहड़ी खूब धूमधाम से मनाएंगे। राज्य सचिवालय में हुई सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल की पहली बैठक में महिलाओं को 1,500 रुपए महीने पेंशन देने का भी फैसला हुआ, तो साथ ही 1,00,000 लोगों को रोजगार दिलाने को लेकर भी मंत्रिमंडल ने एक कमेटी का गठन कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में आधी से अधिक महिलाएं हमारी जनसंख्या में है। अब उनको हमने वादा किया था कि 1,500 रुपया हम मासिक पेंशन उनको देंगे। अब 1,500 रुपए मासिक पेंशन के लिए हमने वादा किया, आज पहली कैबिनेट में यह भी फैसला ले लिया गया कि 1,500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने हिमाचल में गारंटियों की झड़ी लगा दी थी, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर थी। सुक्खू ने इस गारंटी को लागू करते हुए अपना वादा याद दिलाया तो पिछली बीजेपी सरकार को आईना भी दिखाया और कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी को हिमाचल की जनता सत्ता में लाती है तो हम अपने सरकारी कर्मचारी और जो सरकारी अधिकारी है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है उनको हम ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशियों की सबसे बड़ी सौगात बनकर आई है। लोहड़ी के पर्व पर सुक्खू सरकार की सौगात ने कर्मचारियों की झोली खुशियों से भर दी है। एक वादा पूरा होते ही मांग की फहरिस्त भी लंबी हो गई। अब कर्मचारी संघ की मांग है कि जिन कर्मचारियों ने 10 साल से कम नौकरी की है उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आभार प्रकट करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज उन्होंने इस लोहड़ी के पवित्र पर्व पर हमारे एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस यानी के पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू कर दी है। मेरा मानना है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का नाम इतिहास में पेंशन पुरुष के नाम से जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी केवल जनता को गुमराह और भटकाने का काम करती है। देखिए आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए,
पर असमंजस की स्थिति पैदा होनी शुरू हो गई है। ओपीएस की इन्होंने घोषणा करी, 1,36,000 लोगों को ओपीएस देने की प्रदेश सरकार ने घोषणा करी। उसके बाद सीधा जो है वो केंद्र सरकार की ओर देखा कि 86,000 करोड़ तो केंद्र सरकार ने देने हैं। केंद्र सरकार ने वो जो पैसा लिया है वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो चुका है और वो राष्ट्र निर्माण की ओर चल जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 2,75,000 है। आंकड़े बताते हैं कि इनमें से करीब 1.5 लाख कर्मचारी नई पेंशन योजना के तहत आते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का वादा किया था। प्रियंका गांधी से लेकर हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की बात कही थी। इस मुद्दे को लेकर जमकर राजनीति भी हुई थी। हालांकि चुनाव प्रचार में कांग्रेस की तरफ से किया गया ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का वादा बीजेपी पर भारी पड़ गया और उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज 24।